बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक रीछ नचाने वाला आया, पूछा तुम कौन हो? तो बोला मैं कलंदर हूँ। इस दौर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये बात उस रीछ नचाने वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा आप कौन हैं? फरमाया मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा आप कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रीछ है ना डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? फरमाया पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा। उसने कहा अब आपकी बारी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और फरमाया नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना मगर वापस कभी मत आना। जैसे ही वो नीचे से गुज़रा माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी ना गुर्दो गबार, जहाँ तक नज़र देखे खूबसूरत पहाड़ सबज वादियाँ, ना मौसम गर्म ना ठंडा। अभी इसी सोच में ही था कि देखा कि एक अजीम लश्कर सिपाहियों के घोड़ों पर सवार तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सिपा सलार आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहता सिपा सलार बोला बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है और मलका आलिया का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो हैरान और परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल पहुंचा तो अजीम और शान अमारत देखकर हैरान रह गया। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका शिकवा करती गले से लिपट गई, कहाँ रह गए थे आप? सब भूलकर नहा धोकर शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इसी जुस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था तो देखा वो दरख्त आज भी मौजूद है। सोचा चलो देखते हैं क्या वो दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया, वही वक्त वही मकाम सामने उसका, रीछ और डुगडुगी पड़ी है, वही गर्मी वही गर्दो गुबार। पीछे देखा तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर खड़े थे। उसकी हालत गैर हो गई। बोला जनाब मेरी सल्तनत मेरी मलका मेरे शहजादे, तो आपने फरमाया सब तमाशा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे।